शगुन मंडप में हिंदू युवा वाहिनी की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। साथ ही पीतल नगरी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यालय का उद्घाटन मंडल प्रभारी एनपी सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। मंडल प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह सदैव राष्ट्र निर्माण में कार्य करें और अपना ऐसा आधार बनाएं कि सबको निचले तबके को, छोटे बड़ों को, सभी को जोड़कर समाज का और राष्ट्र का विकास करें। जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह सभी लोगों को साथ लेकर चल रही है और सबका साथ सबका विकास कर रही है, उसी तरह से सभी कार्यकर्ता अपना आधार बनाएं और अपने राष्ट्र व प्रदेश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सदैव तत्पर। मेरा नाम डॉक्टर एनपी सिंह रविंद्र प्रताप सिंह और यहाँ सब कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं, जिसमें जिला प्रभारी भी जिला से विजय भी पड़े हैं और जिनका मिडस्ट हो रहा है अनूप मिश्रा जी, उन्होंने महानगर पालिका का दायित्व इसके उद्घाटन के संदर्भ में यहाँ आना। सर क्या कहना चाहेंगे आज के हिंदू युवा वाहिनी वाले? मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहता हूँ, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में और केंद्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है लगातार उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने की कोशिश। अभी ये घटना लखनऊ में घटी है, कमलेश तिवारी वाली, वास्तव में हम इसकी बिल्कुल भरपूर निंदा करते हैं और जो निंदा करते हैं और इस तरह का ये हतोत्साहित करने वाला काम, लेकिन इसमें कोई भी कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, किसी भी कार्यकर्ता हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये घटना वास्तव में एक नृशंस हत्या की गई है और वास्तव में जो भी आदमी राष्ट्र के लिए काम करता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में पूरक होता है और राष्ट्र के लिए लगातार कमलेश त्रिपाठी जी ने जो भी किया, तिवारी जी ने अब तक किया, वो भी वास्तव में सबको स्मरणीय रहेगा। और लगातार जो भी कार्यकर्ता हिंदुत्व के लिए हिंदावादी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी आह्वान करता हूँ कि इन चीज़ों से ये घटनाएँ प्रोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, लगातार राष्ट्र पर काम करिएगा और कोशिश रहे कि अपना एक ऐसा आधार होना चाहिए कि समाज को छोटे तबके को सबका जोड़कर एक साथ, जब सब एक साथ जुड़ेंगे तभी सबका विकास संभव, समाज का विकास तभी संभव हो पाता है। तो सबको साथ लेकर चलना, छोटे समाज को भी साथ लेकर चलना, छोटे व्यक्ति को साथ लेकर चलना, छोटे व्यापारी को भी साथ लेकर चलना, सबको साथ लेकर चलेंगे तो जब समग्र विकास हमारा जो एजेंडा है वो पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि केवल जातिगत आधार पर हो या समाज का आधार, सभी योजनाओं का सभी लाभ उठा रहे हैं। पिछली सरकारों में जो देखा गया जातिगत आधार पर बहुत सारी योजनाएं चलती थी, उनके तुष्टिकरण के आधार पर उनका क्रियान्वयन होता था, लेकिन वर्तमान में जो भी योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मकान वाली योजना हो, बेरोजगारी वाली योजना हो, आयुष्मान वाली योजना, सब योजनाएँ सभी के लिए और प्रधानमंत्री जी जो दिया सबका साथ सबका विकास और सब में विश्वास, उसी आधार पर सबको साथ लेकर चल रहे हैं केंद्र सरकार भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी। वो आज देखने को आप रहा है कि जो अपराधी तत्व आपको अपने आप सरेंडर करने जा रहे हैं, जो यहाँ आपके कैराना में जो घटनाएं हुई थी वहाँ पर जो भी टेररिस्ट टाइप लोग थे, जो आतंकी लोग, जो लोगों को डरे धमकाए, ये कहने के लिए तत्पर है कि साहब हमें जेल में डाल दो, लेकिन हमारा एनकाउंटर मत। और जहाँ जो भी गड़बड़ी करने वाले थे वहाँ पे अभी MLA है ना ही, उनको भी आपने देखा होगा कि वो अपने आप में खुद भागे खबर है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें समाज से मुझ पाने की आवश्यकता, कोशिश करना चाहिए कि समाज के लिए हम अच्छा काम करें, सबके काम करें, राष्ट्र के काम करें, इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से योगी जी अपने पार्टी के स्टार प्रचारक थे और विभिन्न भाषणों में सुना गया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो यूपी में क्या कहते हैं पुलिस व्यवस्था काफ़ी सही रहेगी, तो जैसे दिन दहाड़े आत्महत्या की गई है तो किसकी कमियाँ मानते हैं? भाई दिन दहाड़े उसमें सब कुछ खुल गया है, पूरे जो टेररिस्ट हैं उसमें बिजनौर के भी दो आदमी पकड़े गए हैं, उन्होंने पहले एक इनाम नाम घोषित और केस खुल गया, लेकिन घटना का अगर कुछ पता तो होता नहीं। लेकिन मेरे बगल में मेरा साथी जिस तरह लोग वहाँ आके बैठे उनसे पहली दृष्टि में लगता है कि लोग उनके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत परिचित होंगे, लेकिन उसमें सारी घटना खुल गई है, पूरी घटना खुलने जा रही है
इसमें ऐसा कोई दोष लगता नहीं है। यह शांत हो जाओ, घटना अगर नहीं बोले तब तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पुलिस की कमी है। तिवारी जी के माँ के बयान आए थे कि सपा सरकार में 17 गनर दिए गए थे और योगी सरकार में कम कर दिए गए, तो क्या गनर सपा समाजवादी सरकार में तो नीली बत्ती लाल बत्ती भी ऐसी लाल बत्ती भी ऐसी बांटी गई थी कि उसका कुछ आधार नहीं होता था कि चलते ऊपर लाल बत्ती दी गई थी, चलते ऊपर गनर दिए गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता की पार्टी सरकार है, जिसको जरूरत है, जिसको सही जरूरत है, उसको ही सभी दिया गया है और उसे ही जिम्मेदारी सौंपी गई। नहीं तो तिवारी जी तो 2015 से आईएएस के टारगेट रहे हैं, आईएएस के टारगेट तो रहे होंगे, लेकिन अगर उन्होंने डिमांड करते तो उन्हें मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं। मानते हैं कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी की कमियाँ रही होंगी इसमें, जहाँ भी अगर वो मानते और खुफिया एजेंसी LIU की अगर जो भी रिपोर्ट गई उसके आधार पर इनका आवंटन होता है तो वो जो भी रहा हो, लेकिन आवंटन अगर उस पैरामीटर में आदमी कर रहा है तो उसको सुविधाएं उपलब्ध बढ़िया करा दी जाती है। सुख कुमार मिश्रा महानगर उपाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी से, और आज हमारे मंडल प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी के जो है डॉक्टर एन पी सिंह जी, उन्होंने आके यहाँ पे एक होलसेल की दुकान खोली है और उसका कार्यालय का मतलब दो दिन दुकानों का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? ये उद्घाटन हुआ है हिंदू युवा वाहिनी के जो महान मंडल प्रभारी जी द्वारा।